नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं माँ चिंतपूर्णी मंदिर से माता ज्वाला देवी मंदिर की ओर।
बाथरूम वगैरह बढ़िया कराइए।
ये प्रसिद्ध मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पे माता सती की जीभ गिरी थी। यहाँ पे एक चट्टान में से अपने आप प्रकट होके ज्योति सदियों से बिना तेल और घी स्वयं अपने आप चलती आ रही है। ज्वालामुखी में मंदिर के निर्माण का श्रेय देवी दुर्गा के एक महान भक्त राजा भूमिचंद को दिया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सपने में मंदिर का स्थान देखा था, लेकिन तभी ज्वाला माँ की एक ज्योति अनेकों ज्योतियों में बदल के पानी के ऊपर तरने लगी। यह सब देख के राजा अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माँ ज्वाला से माफ़ी मांगी। पता है कि राजा अकबर ने यहाँ पे सोने का एक छतर चढ़ाया था और अहंकार में उसने ये बोल दिया था कि लो माँ, मैं तुम्हें सोने का छतर चढ़ा रहा हूँ जो आज तक किसी राजा महाराजा ने नहीं चढ़ाया है। अकबर के अहंकार को देख के माँ ने अपनी शक्ति के द्वारा इस सोने के छतर को एक धातु में परिवर्तित कर दिया और आज तक पता नहीं लगाया जा सका है कि यह छतर किस धातु का बना है। आगे चल के इस वीडियो में आपको सदियों से अपने आप चल रही माता की अलौकिक ज्योति के दर्शन भी करवाएंगे और उस छतर को भी दिखाएंगे जो राजा अकबर के द्वारा चढ़ाया गया था। दोस्तों, इस वक्त आप माता ज्वाला जी की चरण पादुका के दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो आप छतर देख रहे हैं ये वही छतर है जो राजा अकबर ने अहंकार में आके माता ज्वाला जी को चढ़ाया था, लेकिन माँ ज्वाला जी की शक्ति के द्वारा आज ये सोने का छतर किसी अनजान धातु में परिवर्तित हो चुका है।
जिसके बारे में आज तक पता नहीं लगाया गया है। दोस्तों, ये जो आप पलंग देख रहे हैं वो माता ज्वाला जी का पलंग है। हर रोज ये पलंग ऐसे ही सजाया जाता है। इसे मंदिर के एक कमरे में स्थापित किया गया है और लाखों भक्त हर रोज यहाँ पे इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। माँ ज्वाला जी की मुख्य मंदिर में आपको मोबाइल अथवा कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, इसीलिए मुख्य मंदिर के दर्शन आपको बाहर लगी एक LED के माध्यम से हम करवा रहे हैं।
बोलिया तेनू ना।